हेलो फ्रेंड, ललिताज किचन गार्डन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अदरक गमले में कैसे उगाते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने एक पॉट लिया हुआ है। इसमें जब अदरक मैं लगाई थी उस समय वीडियो नहीं बना पाई थी, तो अभी बना रही हूँ। इसमें जो पुरानी वाली जो अदरक रहती है, होते हैं ना, सभी के घर में होते हैं, तो उसमें जो ग्रोथ बढ़ रहा आते हैं अंकुर, तो आप मैं उसको ऐसी लगा दी थी, दो छोटा छोटा था, तो उसमें से ढेर सारे इसमें से ग्रोथ बड्स आने शुरू हो गए हैं, अंकुर आने, नए नए देखे पौधे निकलना शुरू हो गए हैं। बस दो ही था उसमें से इतने सारे निकले हुए हैं और बहुत हेल्दी लग रहा है मेरा अदरक का पौधा। देखिए फ्रेंड, पूरे दो महीने के बाद का है। देखो पूरा पॉट भर गया है, इसमें छोटा पड़ गया है, इसमें इतने सारे अंकुर निकले हुए हैं, नए नए पौधे बहुत सारे निकले हैं। ये मेरा पौधा अब हार्वेस्ट करने लायक हो चुका है। पूरे इसको अदरक को तैयार होने में पूरे 8-9 महीने लगते हैं फ्रेंड। मैं इसको मार्च अप्रैल में लगाई थी इसके अदरक को, और अभी मैं इसको नवंबर में हार्वेस्ट कर रही हूँ, यानी इसको पूरे 9 महीने लगते हैं, 8 से 9 महीने इसको तैयार होने में लगता है नए अदरक के आने में, तो मैं अब इसका हार्वेस्ट करूँगी। देखिए पूरा पॉट भर गया है इसमें, देखते हैं कितना अदरक निकलेगा इसमें, भी पता नहीं है। पॉट को इसे मिट्टी से अलग करने में जगह भी नहीं बचा है इसमें, इतने सारे ब्रांचेस आ गए हैं इसमें। अभी और निकल ही रहे हैं नए नए। देखिए पेड़, मैं इसको धीरे धीरे से निकाल रही हूँ। अभी और बचा है एक दो। देखिए फिर इतने सारे अदरक आए हुए हैं इसमें। अभी शायद ये और बड़ा होता लेकिन इसमें जगह ही नहीं था, पॉट में पूरा हो गया था ये। और इनकी पत्तियों को जो मैं अभी अदरक को काट के अलग करूँगी पत्तियों को, तो मैं इसको खाद बनाऊँगी। जो दो पुरानी वाली अदरक दिख रही है ना, ब्लैक थोड़ा डार्क कलर, वही वाला पुराना अदरक है जो मैं लगाई थी, वो सड़ी नहीं है। अब उसी में से इतने सारे अदरक निकले हुए हैं, ये दो डार्क दिख रहे हैं उसी में से हैं ये। देखिए फ्रेंड इतने सारे हैं, मैं इसको अच्छे से वॉश करके और धूप में अच्छे से सुखा दी हूँ उसको, तो ठीक है फ्रेंड। आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।